फाजिल्का जिले में पुलिस के सूचना बक्से नशा तस्करों पर भारी पड़ने लगे हैं, क्योंकि लोगों द्वारा नशा तस्करों के कारोबार की खबर सीधा जिला पुलिस मुखी के पास पहुंचाई जा रही है। फाजिल्का जिला पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत जिले की जनतक जगहों पर नशा तस्करों की जानकारी हासिल करने के लिए बक्से लगाए गए थे, जिसका लोगों ने खूब इस्तेमाल किया और सिर्फ एक हफ्ते में कई नशा तस्करों की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने सूचना के आधार पर जाँच करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फाजिल्का जिला पुलिस की ओर से एक हफ्ता पहले जिले के जनतक जगहों पर नशा तस्करों की सूचना पुलिस को देने के लिए बॉक्स लगाए गए थे, जिसमें लोग अपना नाम बताए बिना पुलिस को तस्करों की सूचना दे सकते थे और इन बॉक्सों को सिर्फ फाजिल्का जिला पुलिस मुखी डॉक्टर केतन बलिराम पाटिल ही खोल सकते हैं, जिसका लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। वह एक हफ्ते में लोगों के नाम और जगह के साथ साथ नशा तस्करों की जानकारी दी। जिला पुलिस मुखी ने बताया कि सिर्फ एक हफ्ते में लोगों की ओर से 20 सूचनाएं पुलिस को बक्सों के जरिए प्राप्त हुई है, जिसमें लोगों ने नशों का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के नाम व जगह के साथ उनकी सूचना दी है, जिस पर पुलिस उन लोगों की जांच कर रही है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फाजिल्का से जार टीवी न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमने पीछे कुछ दिनों से जो लेटर बॉक्सेस हमने लगाए हुए फाजिल्का जिले में अलग अलग जगह पे, तकरीबन मुझे 20 लेटर्स मिले हैं, कुछ विलेजेस के नाम, कुछ बंदों के नाम उसमें मुझे मतलब शिकायतों में मिले हैं। हम उनको वेरीफाई करके CIA स्टाफ, SP इन्वेस्टिगेशन और SP अबूर के अंडर विशेष टीमें बना के हम इनकी पूछताछ करके यदि रिकवरी होती है तो हम NDPS के तहत कार्रवाई करते हैं।